तो बैठे जी, मिठाई खा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये मिठाई है, गांव की खुशी की मिठाई है। देखो, ये गांव में किसी प्रकार का बैर विरोध नहीं, और खुशी से सारी बस्ती ने जो भी काम कराएंगे सरकार से, अपने लेवल पर भी जो करेंगे वो अधिक से अधिक करेगा। चार बार पहले हमारे गांव पंचायत चुने, चार बार पहले भी बन चुके। हमारे गांव का पूरा सहयोग है जी, और पूरा सहयोग की वजह से ये आज काम हुआ है। तो ये कहते हैं पूरे गांव का श्रेय इसमें, बहुत ही खुशी की बात है। पूरी एकता बनी है, पूरे भाईचारा पूरा बना रह गया है इसमें, और सबका सबके विचार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये सूचना मिली कि गांव पल के अंदर निर्विरोध सरपंच चुना गया, पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है। मैं उसके बधाई के लिए, पूरे गांव को बधाई के लिए इनके पास आया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं समसे कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर पंचायती जो चुनाव हैं उनको लेकर माहौल गर्म है। बाकी विशेष बात यहां पर यह कि जिस गांव में हम खड़े हैं, आप देख रहे होंगे कि पीछे कितनी मतलब संख्या में गांव के लोग जो हैं यहां पर मौजूद हैं, और ये सभी लोग एक साथ बैठे हैं, और एक बहुत ही अच्छा फैसला यहां पर लिया गया है आज। अनपोज इन्होंने अपनी पूरी पंचायत, जिसमें पंच सात और साथ में एक सरपंच को अनपोज ही चुन दिया है, तो यहाँ पर इन ग्रामीणों से और साथ में जो सरपंच वगैरह बने हैं, पंच वगैरह बने हैं, उनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। यहाँ आप देख रहे होंगे काफ़ी युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, और ये कुछ मिठाई भी यहाँ पर मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मंगवा रखी है। बहुत सारे जो है सीनियर जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर बैठे हैं, और जो हाल फिलहाल जिनकी धर्मपत्नी को निर्विरोध चुना गया है, ये हमारे साथ मौजूद है। सर, नाम बताएं अपना। अपना नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, आपने पहले राजनीतिक तैयारी करी थी इस तरह की? नहीं जी, हमारे तो अपने पूरे गांव के सहयोग से पूरा सहयोग मिला है, और मैंने कभी कोई रिस्क नहीं लिया इस बारे में। हमारे पापा जी का। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, जब से सरपंच बनाए आप लोगों को, आप कहाँ थे उस समय? यही मौजूद थे। अच्छा, और मैंने सोचा कि अभी आप आए हो ट्रैक्टर के ऊपर, कभी बाहर से आए हो, आप थे ही नहीं, पता ही नहीं हो आपको शायद। अच्छा, आपने नामांकन किया, अगेंस्ट में भी कोई नामांकन था पहले, मतलब कोई दूसरे? हाँ जी। फिर अब वो बैठ गए? हाँ जी, वो आप पूरे गांव का सहयोग के साथ। अच्छा, तो आप क्या जमींदारा करते हैं? और आपकी धर्मपत्नी गृहिणी है? हाँ, गृहिणी। अच्छा, तो अब जैसे सभी ने मिलकर कर ही दिया है फाइनल। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या करवाओगे, गांव में कैसा विकास करवाने की इच्छा? जैसे हमारे गांव का जो भी, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग जो भी काम कराएंगे उनके लिए हम उनके साथ हैं। कितने के वोटर हैं यहाँ पे? हमारे वोटर 850। तो मतलब किसी ने अभी इस पंचायत के अंदर जैसे सभी लोग बैठे, किसी ने कोई विरोध वगैरह? नहीं, कोई विरोध नहीं। पहले भी कुछ इस तरह का देखने को मिला आपके गाँव में? ये पहली बार हुआ सर। अच्छा, पहले चार पहले कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। अच्छा, आपके विरोध में कौन खड़े थे? हमारे जी 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 साहब, नमस्कार। सर नमस्कार, आपके चैनल को सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, और मेरे सारे बुजुर्ग यहाँ के, मेरे भाई चाचा ताऊ, उनको सबको मैं हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूँ, और इनकी इनके सोच से, इनके सुझाव से आज नए सरपंच का जो आज चुना है, वो सब हम इनकी राय से हैं, और नए सरपंच को हमने चुन दिया है। बहुत बढ़िया, मतलब वो आज जो पर्टिकुलर एक डेट है, 21 तारीख जो डेट है, आज नामांकन वापस लेने का टाइम है। अपनी भाषा में बात करें तो फार्म खींचने का टाइम है, और फार्म खींच लिया है वापस, ऐसा कुछ सर्वसम्मति से? सर्वसम्मति से हमने फार्म खींच लिया है। अच्छा, कोई इस तरह की कोई कमिटमेंट भी करी गई है? नहीं जी, कोई अगली बार सपोर्ट करना है ऐसे कुछ? नहीं, ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं। आपकी बार तुम बन जाओ, अगली बार हम बन जाएं, ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं है। अच्छा, ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं है? नहीं जी। अच्छा, ग्रामीणों का पूरा सहयोग, पूरा समर्थन है? हमारे गांव का पूरा सहयोग है जी, और पूरा सहयोग की वजह से ये आज काम हुआ है जी। तो यहाँ पर जैसे हम पल गाँव के अंदर है, पल गाँव के अंदर आप देख रहे हैं कि काफी युवा यहाँ पर है, और बहुत सारे जो सीनियर पीढ़ी है वो यहाँ पर मौजूद है, और अपने हरियाणा के अंदर चौधर जो है जिसकी पहचान है, हुक्का यहाँ पर है, एक नहीं दो तीन हुक्के रखे हैं यहाँ पर हरियाणा में, तो ये काफ़ी चर्चित रहता है अपने आप में, एक क्यों दो तीन आगे उधर भी रखा है। अच्छा, विशेष ये है कि अब हम यहाँ एक सर हैं जिनसे हमने भी कभी पढ़ाई करी थी 9th क्लास के अंदर, इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है इंडिया। नमस्कार जी। खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे इस प्रकार से जो पंचायत चुनी गई है इसके बारे में? हम तो ये कहते हैं पूरे गांव का श्रेय इसमें,
बहुत ही खुशी की बात है, पूरी एकता बनी है, पूरे भाईचारा पूरा बना रह गया है इसमें, और सबका सबके विचार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कितने रुपए मिलेंगे? वो तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो उस हिसाब से जो होगा वो मिलेगा। हाँ, जी हाँ, जितना भी कहते हैं कि 5 लाख नगद देती है सरकार सरपंच को, और 50,000 रुपए जो है पंच को मिलते हैं, बाकी अभी आवाज आएगी 11 लाख रुपए मिलते हैं शायद, पूरे 11 लाख रुपए मिलते हैं। तो विशेष यहाँ पर बात यह है कि कुछ भी हो, इतने रुपए शायद चुनाव लड़ने में खर्च कर दिया जाता है, और फिर वो होता है ना कि जैसे मान लीजिए जिस दिन बन जाते हैं तो उसके बाद उसकी रिकवरी करने के लिए पहले जो विकास कार्य के लिए जो बजट आता है उसी में से वो पूरे किए जाते हैं। तो यहाँ पर वो खर्चा तो बचा ही लिया गया, साथ में सरकार जो है नगद इनाम भी देगी अपने आप में, तो ये सबसे अच्छी बात है। इस तरह की पंचायतें होनी चाहिए, चाहे महेंद्रगढ़ हो चाहे कोई दूसरा जिला हो हरियाणा का, जहाँ पर भी हो सके ये इस तरह की मतलब कि सामूहिक जो है ना एक बढ़िया योजना बनाकर और एक अच्छे तरीके से पंचायत का गठन अगर निर्विरोध हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, इन्हीं के अंदर वार्ड नंबर 5 में गांव आता है संदीप राव, यहाँ पर बैठे हैं, ये भी शायद यहाँ पर वोट मांगने के लिए। अच्छा बात, नहीं जी मैं तो यहाँ से जा रहा था। मतलब आप, आपको पता नहीं था? हमें सूचना मिली कि अच्छा। गांव पल के अंदर निर्विरोध सरपंच चुना गया, पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है। मैं उसके बधाई के लिए, पूरे गाँव को बधाई के लिए इनके पास आया था, और साथ में आपको पता है प्रचार, चुनाव प्रचार चल रहा था, सही बात है, आशीर्वाद अपना लेने के लिए आए थे। सही बात है, देखिए बड़ी खुशी की बात है जी जी। 2022 पंचायती राज चुनाव के अंदर ये पहला गांव है, ये कायम में पहला गांव है कि जिसने निर्विरोध पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है। इसके लिए मैं इस समाज को, बड़े बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी जो सोच है, जो आज पल गाँव से चल के ये सोच है, ये आगे तक जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ इसमें भाईचारा बना रहता है, सारी चीज़ें और सब एकजुट होकर उस पंचायत में काम भी होता है। तो विशेष ये है कि जो संदीप जी हैं वो वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 5 में गांव आता है पल के अंदर, वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार है। बाकी यहाँ पर बहुत ही सीनियर पीढ़ी बैठी है हमारे पास। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो गांव में बढ़िया काम हो गया अब तो? बहुत बहुत बढ़िया काम हुआ है, और सबका आपस में भाईचारा बना रहेगा। अच्छा, पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसा हुआ है? 4 बार पहले हमारे गांव पंचायत चुने, 4 बार पहले भी बन चुके। ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे गांव के साथ कनेक्टेड हो? ना ना ना, हमारे गांव के इंडिविजुअल अकेले गांव की पंचायत है, 850 वोट है। अच्छा, और आपस में अभी जो पंचायत चुनी है इसमें सबका गांव का पूरा का सहयोग है, सबका भाईचारा बना रहेगा। दो ही लोगों ने फॉर्म भरे थे? दो लोगों ने फॉर्म भरे थे, गांव की सर्वसम्मति से एक पंडित जी से फॉर्म खिंचवा दिया। महिला सीट है यहां पर? हां, महिला सीट है। अच्छा, पंचों में भी कह रहे हैं कि 7 पंच जो है अनपोज चुन दिए गए? हां, 7 पंच जो है अनपोज है, 6 अनपोज, एक एक फॉर्म था, एक का डबल था। अच्छा, उसको भी समझा दिया और गाँव ने उसको पूरे को उसका फॉर्म खिंचवा दिया जी। अच्छा साहब, एक बात और बताओ, इसमें यहाँ जो पंच है वो कौन है जो निर्विरोध चुन लिए हैं? कोई भी पंच जी? आप भी निर्विरोध चुन दिए गए? तो फिर मिठाई मिठाई खिलाओ गांव वालों को। अच्छा, ये कह रहे कि रोट करवा देंगे, चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग सारे के सारे ही? अच्छा, एक युवा साथी भी यहाँ पर है ना मौजूद है, ये भी पंच है? तो पंच साहब नमस्कार, क्या नाम आपका? अमरजीत। अमरजीत, कौन सा वार्ड आपका? 3 नंबर। सबका सहयोग, सबका समर्थन मिल गया, बन गए, क्या अब आगे योजना लेकर आओगे विकास के लिए? विकास के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। युवाओं के लिए क्या करोगे बताओ, पंचायत से मिलकर, जैसे सरपंच और पंचों का सहयोग मिलकर, जैसे खेल प्रतियोगिता होना? हाँ हाँ हाँ, और भी इस तरह की जो चीजें हैं वो सब कराने का प्रयास करें। हाँ जी, एक और पंच आ गए जी। अच्छा जी, तो अनपोज चुन लिए गए, अच्छी बात है। अब ये बताएं कि जैसे गांव में जिम विम, कुछ लाइब्रेरी, कुछ इस तरह के स्पोर्ट्स का सामान दिल पाओगे कि नहीं? हाँ, बहुत उनको जो ग्रांट आएगी उस हिसाब से। कहते हैं पंच को 5,000 रुपये मिलते हैं खर्चने के लिए विकास के लिए? हाँ, वो अपने वार्ड के लिए मिलेंगे, वो अपने वार्ड के अंदर जहाँ भी जो काम होगा वो करवाते हैं, पूरा करवाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी कोई पंच साहब बैठे हैं यहाँ पर? कोई और नहीं है तो आप तो बैठे जी, मिठाई खा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये मिठाई है, गांव की खुशी की मिठाई है। देखो, हमारी पूरी बस्ती के सहयोग से अनपोल जो है सरपंच और पंच नियुक्त कर दिए गए हैं, सभी को, जितने भी लोग हैं सबको बहुत खुशी है इस बात की, और हमारी भाईचारा एकता बनी रहेगी, हमें भी बहुत खुशी है, सभी को खुशी है।
बहुत बढ़िया बात है जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो है ना जी, कुल मिलाकर बात यह है कि जो एक वो पगड़ी है ना, वो गांव की पगड़ी कहीं ना कहीं अब रख दी गई है सरपंच जो है निर्विरोध चुनकर। हाँ जी राम राम। सबसे बड़ी खुशी ये है कि गांव में किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं, और खुशी से सारी बस्ती ने जो भी काम कराएंगे सरकार से, अपने लेवल पर भी जो करेंगे वो अधिक से अधिक करेगा, इसमें किसी प्रकार की वो त्रुटि नहीं आएगी। तो व्यवहार कुछ ज्यादा ही अच्छा है इनका, आप लोगों ने निर्विरोध चुन दिया जैसे इस परिवार का, इन लोगों का बस्ती का प्रभाव है, पूरा बस्ती का प्रभाव है, बस्ती पूरा समर्थन बस्ती का, आदमी भी बिल्कुल सही है, मिलन सारे मिलनसार है। अच्छा सात पंच चुन दिए, ये भी सारे मिलनसार मिलनसार है, सारे बड़ी आदमी पल में पाए जाते हैं। 19 है तो सुधार का 21 में कर लेगा, हमारे स्टूडेंट ही बहुत अच्छे हैं। तो बहुत खुशी के ठाके यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि खास तौर पर बात यह है कि जो चुनाव अभी घोषित हुआ तो उसके पश्चात नामांकन हुए कई गांवों में, अगल बगल के गांव में देखो तो एक गांव ऐसा भी जिसमें 16 नामांकन हुए, यहां पर 2 नामांकन हुए और 2 नामांकन में से एक कैंडिडेट को बैठा दिया गया अपनी मतलब सारी अपना जो भी यहां की बस्ती है इसके समर्थन से, और मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रयास। मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह का उदाहरण अलग अलग जो पंचायतें हैं जो अपने क्षेत्र में हैं वो और भी पेश करें और अनपोज सरपंच चुने। एक और शायद मतलब जैसे यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे तभी इन्होंने अनपोज सरपंच को चुना है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अनपोज का एक और बेनिफिट होता है, वो क्या होता है? जब एक वैसे निर्वाचित यानी चुनाव से जो चुना हुआ सरपंच ग्रांट लेने के लिए जाता है या किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऑफिस में जाता है, तो वहाँ पर अगर चाहें तो प्रशासनिक अधिकारी कह लो या फिर कोई भी जो भी बीच में सिस्टम का हिस्सा होते हैं, वो अगर चाहें तो अगर कोई काम ना करने का उनका मन हो, मतलब ऐसा होता है अमूमन, तो वो क्या कर सकते हैं? नहीं भी करें, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे का गांव में एक विपक्ष है और उस विपक्ष से कह के कुछ भी करवाया जा सकता है और विपक्ष उसके सामने खड़ा भी हो जाता है, RTI लगा देगा, XYZ पता नहीं क्या करेगा, उसको टॉर्चर किया जाता है, फिर वो काम नहीं करता। लेकिन जब बात अनपोज सरपंच की आती है, जब वो जाके वहाँ पर खड़ा होता है, यानी अगर 10 सरपंच वहाँ पर ग्रांट लाने गए हैं, 9 सरपंच ऐसे हैं जो चुने हुए सरपंच थे चुनावों के द्वारा और 1 सरपंच ऐसा है जो अनपोज है, तो उस अनपोज सरपंच की बात पहले रखी जाती है, पहले उससे तवज्जो दी जाती है, क्योंकि पता है कि इस बंदे का गांव में तो कोई विरोध है ही नहीं, अगर इसका काम नहीं करके दिया तो पूरा गांव आगे खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि आने वाले समय के अंदर सरपंच का जो विशेष काम होता है वो विकास करवाना ही होता है, जनप्रतिनिधि है वो अपने आप में। तो आपके गाँव के अंदर भी अगर इस तरह की बात देखने को मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यहाँ की जो कवरेज आपको कैसी लगी, कैसे लगे ये लोग भाई, कुछ युवा साथी भी खड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं, है ना, क्योंकि युवाओं का भी विशेष समर्थन है, आगे के नेता यही है। अरे आ जाओ सब, सारे चलो पल वाले चले गए सारे। हाँ जी हाँ, तो अभी हम उनको मिलवा रहे हैं जो अभी हमने मतलब जो कैंडिडेट बने हैं जिनकी इनकी पुत्र वधू है, वो जो कैंडिडेट बनी है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका एक पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, आप वो देख लेना हमारे चैनल के ऊपर। बाकी इनकी पुत्र वधू को जो है पूरे जन समर्थन के साथ अनपोज सरपंच चुना गया है। जी स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में, स्वागत है। तो बड़ी खुशी की बात है अनपोज चुन लिया गया। हाँ जी बड़ी खुशी की बात है अनपोज बस्ती में चुन लिया। तो गांव बस्ती के बारे में क्या कहेंगे साहब? गांव बस्ती का काम धंधा में टाइम से कर रहे हैं। अच्छा सारे काम धंधे बिल्कुल, तो अभी मिलजुल कर करेंगे। तो मिलजुल कर काम करने की बात यहाँ पर कही है, बाकी साहब फोन आ रखा आपका। हाँ जी, तो अभी विशेष बात ये है कि आप क्या सोचते हैं इस तरह की जो सकारात्मक खबर है इसके बारे में, इस तरह की पंचायत मेरा मानना तो ये है कि हर जगह हर इलाके के अंदर होनी चाहिए, और अगर आपके अपने गांव के अंदर भी ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात ये रहेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह की अनपोज सरपंच बनाने के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Oh, oh, oh.